ठीक चल रहा है ना? शाबाश, आप लोग बढ़िया पढ़ रहे हो, मेरे को पता है इस चीज़ का। कई बच्चे नोट्स वोट्स भी बना रहे हैं। आप तैयारी जो चल रही है आप उसी प्रकार से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। आज अपन जो धारा विद्युत की है यूनिट, उसका दूसरा टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं, अपोहन वेग। अपोहन वेग क्या होता है, विश्रांति काल क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, आज का टॉपिक ही है अपना। तो मैं पहला जो बिंदु है वो है अपना अपोहन वेग। कौन सा टॉपिक है? अपोहन वेग। अपोहन वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, आपने पढ़ा ही होगा क्लास में, ग्राफ भी बहुत प्रोड किए थे अपन। लेकिन यहां जो अपोहन वेग अपन कर रहे हैं, अपोहन क्या मतलब होता है वो आपको मैं बताऊं, अपोहा वेग, ठीक है। वो कैसे उसको बनाना है, पहले मैं यहां कोई भी कंडक्टर ले लिया मैंने, यहां ध्यान से सुनना बच्चों, नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझ लेना। ये आपका कोई भी कंडक्टर है, इसमें सपोज कर लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने साइड में करके बता दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, कोई गल जा रहा है, कोई गल जा रहा है, कोई गल जा रहा है, यानी कि इनकी अनियमित गति है, जिसको अपन बोलते हैं यांत्रिक गति, अनियमित गति, अनियमित गति। जैसे मेड़ा भरा हुआ है, उसमें कोई बच्चा किधर जा रहा है, कोई इंसान किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है ना, उसकी अनियमित गति होती है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित नहीं किया जाता है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनियमित यानी कि रेंडमली मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो अनियमित गति या रेंडमली जो मोशन होता है, गति होती है, उसका जो प्रारंभिक वेग है, वेग है उनके क्रम से U1 U2 n पार्टिकल तक लेके चलोगे तो U1 हो जाएगा। तो इनके जो वेग होंगे वो कितने, माना U1 है, U2 है, सॉरी U1 है। इस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन जो एनिमिक गति करते हैं उनके जो वेग है ये हो जाएंगे। तो औसत वेग क्या हो जाएगा इसका, औसत वेग भी एवरेज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस सॉरी U1 अपॉन n, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि ये इनके ऊपर वोल्टेज अप्लाइड आपने नहीं किया है। वोल्टेज अप्लाइड नहीं करोगे तो ये अपनी इच्छा अनुसार मोशन करेंगे, किधर भी जाएंगे, इसको जिग जैग भी बोलते हैं, जिग जैग, ये ऐसे इस प्रकार से मोशन करेंगे, ठीक है, इसको जिग जैग भी बोलते हैं। तो अपन को आपस में करना क्या है आगे चल के, वोल्टेज को जान से आगे चल के, आपने इस कंडीशन में देखो अपोहन वेग की परिभाषा सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्लियर हो जाएगी। पहले इसका डेरिवेशन करता हूं कि डेरिवेशन से कौन कौन सी चीजें कहां से निकल के आती है ना। तो पहली कंडीशन तो होगी जब आपने विद्युत क्षेत्र इसमें नहीं लगाया, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। दूसरा है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। अभी यहां पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति करेंगे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपने ध्यान से सुना भाई, ये जो आपने वोल्टेज अप्लाइड किया है, इस पे विभवांतर आपने अप्लाइड किया है इस पे किनारों पर, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, एक निश्चित दिशा में मोशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक निश्चित दिशा में ये गति करेंगे तो एक नियत त्वरण उत्पन्न होता है, और नियत त्वरण उत्पन्न होगा तो रिजल्ट कितना निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखोगे आप, जब चालक के सिरों पर बैटरी द्वारा
विध्वांतर आरोपित किया जब चालक के सिर पर बैटरी द्वारा विभ्रांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत त्वरण से एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगा बल F इक्वल टू क्या होता है Q होता है। सुनो ध्यान से, अपने को F1 वेग निकालना है, F1 वेग निकालना है, F1 वेग F1 वेग क्या होता है वो बताऊं आपको परिभाषा। तो इसमें दो कंडीशन आई, पहली बात ध्यान से सुनिए, पहला इसमें क्या है जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है उपस्थित नहीं है उस टाइम पर जो चालक है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे गति करते हैं अनियमित तिरछी गति करते रहते हैं, अनियमित या तिरछी गति जिसको बोलते हैं। उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन उनके वेग हो गए U1, U2, U1 हो गए, औसत वेग आपने निकाला औसत वेग हो गया U average = U1 + U2 + U1 / N = 0। अब दूसरी कंडीशन में अपने क्या किया है जब आपने विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आपने ले लो तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है नियत त्वरण से निश्चित दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं। नियत त्वरण है वो एक निश्चित दिशा में क्या कर रहा है ये मोशन कर रहा है, तो निश्चित दिशा में मोशन करेगा तो रिजल्ट कितना आएगा F = QE। कैसे इनके वेग क्या बताया अपने आपको, चलो बाद में लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं। F = ने लिखा QE, यार ये क्या है इलेक्ट्रॉन है तो ये F बराबर हो गया E। यार ऋण चिन्ह का मतलब क्या हो गया जो विद्युत क्षेत्र आपने अप्लाइड किया है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑपोजिट इस प्रकार से वर्क करेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करते हैं फंक्शन करते हैं, उस वजह से इनका रिजल्ट नेगेटिव में आता है। और अपन ये भी जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत त्वरण से गति करते हैं तो लगने वाला बल F = ma। F = क्या हो जाएगा ma, न्यूटन की गति के नियम से F = ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण एक तथा समीकरण दो से ma = -ke a = -ke / m यह आ गया आपका त्वरण निकल गया। इस त्वरण से क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन है गति करते हैं त्वरित गति करते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको इस त्वरण से वो नियत गति करेंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिनका प्रारंभिक वेग U1, U2, U1 था वो वेग प्रारंभिक वेग से बढ़कर क्या हो जाएगा V1, V2, Vn हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जो ये त्वरण अपने पास निकल के आ रहा है ये आपके सामने बोर्ड पर ये जो त्वरण है इस त्वरण की वजह से ये जो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका वेग बढ़कर
U1 से V1 हो जाएगा, U2 से V2 हो जाएगा, UN से UVN हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है ये? त्वरण की वजह से पैदा हो रहा है। किसकी वजह से पैदा हो रहा है? त्वरण की वजह से पैदा हो रहा है। तो दोबारा से सुन लो ये बात, मैंने क्या बताया आपको? पहले मैंने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब आप रिजल्ट निकालोगे तो आपके सामने है, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में निकालोगे तो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, कैसे? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन औसत वेग वी डी इक्वल टू वी एवरेज, वी एवरेज होगा वो अपन वेग होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस सो ऑन वी एन अपॉन संख्या। चार को किसमें रखोगे आप? पांच में। ये प्लस है वी वन वी टू प्लस सो ऑन वी एन अपॉन एन हो गया, औसत वेग हो गया। उसी औसत वेग को अपन क्या बोलते हैं? अपन वेग बोलते हैं। भाषा भी बताऊंगा मैं आपकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे। तो समीकरण चार से वी वन वी टू सो ऑन वी एन के मान किसमें रख दो? पांच में रख दो। समीकरण चार से वी वन वी टू सो ऑन वी एन का मान समीकरण पांच में रखने पर तो कितना हो जाएगा? U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 प्लस ऑन U1 प्लस ATN अपॉन n हो जाएगा। V1 का मान रख दिया U1 प्लस AT1, V2 का मान रख दिया U2 प्लस AT2, VN का मान रख दिया U1 प्लस AT1 अपॉन n हो गया।
u1 u2 u1 को एक साइड में ले लो, t1 t2 को एक साइड में ले लो, तो vt इक्वल टू हो गया u1 प्लस u1 अपॉन m प्लस a t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n। और इसका मान कितना है, इसका मान कितना था, प्रारंभिक मान कितना था, देखो यहाँ पे जीरो, कितना था जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा प्लस ए। ये जो औसत समय है इसको बोलते हैं टाउ, जहां टाउ विश्रांति काल, क्या है विश्रांति काल, मतलब आराम से जो टक्कर जो होंगे आपस में इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होने के बाद में जो रिलैक्स टाइम होता है, आदमी जब रुक जाता है या इलेक्ट्रॉन जब रुक जाते हैं उस टाइम पे जो टाइम होगा उसको विश्रांति बताऊंगा मैं आपको। चल तो यहाँ क्या चीज निकल के आई है, यहाँ निकल के है F1A की भाषा, U1 U2 सोन E1 अपॉन एन रख दिया आपके सामने, इसका वैल्यू कितना हो गया जीरो, प्रारंभिक औसत वेग जीरो हो गया, इसमें से ए कॉमन आ गया t1 प्लस t2 प्लस सोन tn अपॉन n हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा टाउ हो जाएगा, टाउ का मतलब होता है विश्रांति काल, टाउ का मतलब क्या होता है विश्रांति काल होता है। तो यहां से इस इक्वेशन नंबर हो गया आपका 6, तो 3 को किस में रखोगे आप, 6 समीकरण 3 को किस में रखने पर 6 में रखना, माइनस EEM टू F इक्वल टू क्या था MA, F इक्वल टू था माइनस TE, A इक्वल टू हो गया माइनस TE अपॉन M और EE अपॉन M रख दिया और बेटा वो ये मान ली गई जाए जहां टाउ क्या है विश्रांति काल। विश्रांति काल का मतलब क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों में लगने वाला समय, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों में लगा समय विश्रांति काल है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है, ये तो गलत हो, अब यहां जो ये है इसको बोलते हैं अपन एफ वन रे। द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज ऑब्टेंड बाय द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर टाइम आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड एफ1 रे। इसका मतलब जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत त्वरण से औसत गति करते हैं, औसत गति को अपन वेग बोलते हैं। जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है उस टाइम में क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की
जो चालक की शिरों पर विभवांतर अर्पित किया जाता है तब उसमें उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग त्वरण लगने औसत वेग अपवहन वेग का क्या कहलाता है अपवहन वेग कहलाता है। दोबारा से सुनो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमांक के टकराव में लगा समय क्या कहलाता है विश्रांति काल कहलाता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टक्कर के लिए टक्कर करके रुक गया आराम करने लगे उसको बोलते हैं विश्रांति काल। ठीक अपन वेग कंट्रोल क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब आपने इसका मतलब बैटरी से जब पोटेंशियल अप्लाइड करते हो पोटेंशियल इसको सप्लाई करते हो तो विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करेंगे तो नियत त्वरण से गति तो कर रहे हैं ना नियत त्वरण से गति करेंगे तो एक औसत वेग आएगा और उस औसत वेग को अपन क्या बोलेंगे अपवहन वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपवहन वेग बोल सकते हो आप इसको अपवहन वेग बोल सकते हो इसको अपन अपवहन वेग बोलते हैं। इसमें दो परिभाषा निकल के आ गई अपने पास एक नंबर तो अपवहन वेग आ गया एक नंबर क्या आ गया विश्रांति का क्या आ गया विश्रांति का। अब एक परिभाषा और है इसमें इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक बार इसको उतार लो फिर आगे करवा दो उतारो इसको एक बार फिर मैं इसको आगे करवा के चलता हूं। उतारो इसको फिर आगे करते हैं इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग तथा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का परिमाण का अनुपात गतिशीलता कहलाता है।
क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। और गतिशीलता का मात्रक लिखो, तो मैंने साइड में करके बता दिया ये वेग है, वेग का मात्रक लिखो और ये विद्युतता है, दोनों का मात्रक लिखो। ठीक है, ये साइड मैंने समझा रखे हैं, एक मिनट इसको समझो फिर मैं आगे बताता हूँ। उतार कर इसको समझते रहो फिर मैं आगे आपको इसका रिजल्ट करवाता हूँ। कैसे करेंगे अपन वो देखो, ध्यान से इसका रिजल्ट आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो चीजें आ गई, इसमें एक तो गतिशीलता का मात्रक आ गया, विमा लिखना चाहो तो विमा करवाई के बोलते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है, कैसा धनात्मक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हमेशा धनात्मक। विमान निकालना चाहो तो विमान निकाल सकते हो, इसकी कोई तो चिंता नहीं, बल बढ़ जाओ इसे निकाल के बताओ क्या कई दिन होगी भूल गए होगी, एक विमान बताया देता हूँ आपको इसे। काफी दिन हो गया आपको शायद भूल गए आप। देखो म्यू इक्वल टू क्या है, वी डी अपॉन ई, मैं वी में समीकरण की बात कर रहा हूँ, वी में समीकरण की नंबर, ये वेग है, वेग बराबर क्या हो गया दूरी बटे समय, हो गया दूरी बटे समय, और विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है बल बटे आवेश, तो ये हो गया बल बटे आवेश। तो आपने लिख दिया दूरी गुना आवेश अपॉन बल गुना समय। एक एक चीज निकाल के बता रहा हूं आपको, इसमें दूरी किसमें होगी एल में, धारा बराबर क्या होता है आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर हो गया धारा गुना समय, तो ये हो गया 7 kT अपॉन T गुणा बल हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण, T से T कैंसिल हो गया, L A अपॉन M गुणा त्वरण बराबर हो गया वेग बटे समय, वेग बटे समय समय ऊपर चला गया, L A T अपॉन M ये हो गया दूरी बटे समय, तो इसका भी में समीकरण हो गया भी में समीकरण हो गया इसका, एम को ऊपर ले जाओगे एम की 1-1 एम की 0 टी की 2 ए की 1 और देखो कोई दिक्कत हो कहीं छोटा मोटा गलत हो गया हो तो देखो अपॉन वेव बराबर क्या हो गया दूरी बटे समय हो गया, दूरी बटे समय का आप मान लिखोगे, मान लिखोगे दूरी बटे समय, फिर आवेश के रूप में लिखोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अपने पास m की माइनस वन एम की 0 t की 2 a की 1। देखो इसमें गतिशीलता में 3 कंपनी थी, कई बार एक नंबर में आ जाता है थोड़े में कि जो विद्युत क्षेत्र की जो गतिशीलता होती है उसको अपन किस प्रकार से करेंगे, पहले आपने इसमें दो डायग्राम बनाए, पहले डायग्राम में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, अनुपस्थित है तो औसत वेग 0 हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति तो अंतिम वेग आ जाएगा, अंतिम वेग किस प्रकार से आएगा नियत त्वरण की स्थिति की वजह से आएगा, किस वजह से आएगा नियत त्वरण की स्थिति की वजह से आएगा। इस प्रकार से जो अपन वेग विश्रांति काल और गतिशीलता का जो प्रतिबिंब मैंने करवाए हैं ये आप पढ़ के आ जाओगे, बोर्ड में क्वेश्चन आता है अपन धारा का संबंध, और ऐसे भी आता है कि ओम के नियम को सूक्ष्म रूप प्राप्त कीजिए, एक साल बोर्ड में आया था कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप किस प्रकार से होता है उसको कैसे समझाओगे, तो जे बराबर सिग्मा ई किस प्रकार से लेंगे, धारा घनत्व क्या होता है वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है,
दूसरी तरफ अप्लाइड करेंगे तो किस प्रकार से रिजल्ट आएगा, ये अपन सारी चीजें पढ़ेंगे।